साथियों, आज बड़ा खुशी का समय है कि आज हमारे बीच में भारत का नाम रोशन करने वाले, हमारे समाज का नाम रोशन करने वाले और पूरे के पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करने वाले अवनीत मौर्या ने जो कर दिखाया है, एक आम परिवार में होते हुए भी उन्होंने जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है उसको फतेह करके दिखाया है। आज हम लोग सोचते हैं कि हम गरीब घर में कैसे पैदा हुए हैं, हमारे पास में संसाधन नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। आज अवनीत मौर्य से सीखने की बात है कि आम आदमी है, आपके पास में संसाधन की कमी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर अगर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है तो आप हर मुश्किल को आसान। अवनीत मौर्य, अवनीत मौर्य। दोस्तों, हम गरीब पैदा हुए इसमें हमारा कसूर नहीं, लेकिन गरीब मर गए तो इसमें पूरा कसूर हमारा है। तो ये जीवन अगर हमको मिला है तो कुछ कर दिखाना है और हमें अवनीत मौर्य जैसा इस भारत वर्ष का नाम रोशन करना है। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले अवनीत मौर्य, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लोग कुछ करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। आपको हिम्मत हारने का भी कई बार ऐसा हुआ होगा, मन भी नहीं किया होगा, इसके लिए आपने क्या साहस किया? देखिए, सभी के सभी समस्याएं आती है। मेन चीज होता है लोगों से, हम जो भी टारगेट अपना बनाते हैं उसको निगेटिव की तरीके, जो लोग हमें जैसे आप निगेटिव कर रहे हैं ये पॉजिटिव कर रहे हैं, तो हमें इनके पास बैठना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, ना कि निगेटिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और अपने युवाओं को यही संदेश देते हैं कि वो लोग नशा से दूर रहें, जो भी वैसे काम है उन लोगों से दूर रहें, मतलब उन चीज़ों से दूर रहें और अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% दे, तो 100% सफलता प्राप्त करें। आपकी एज क्या है? हमारी एज अभी 21 ईयर। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई हमारा ग्रेजुएशन। अवनीत मौर्य, जिंदाबाद जिंदाबाद। अवनीत मौर्य, जिंदाबाद जिंदाबाद।